सो so, आप सभी बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम अपनी कॉपी में साइंस कॉपी में वाइट पेज पे बनाएंगे एंड कलर करेंगे सो so, आज हम पढ़ने चल रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नीड फॉर वाटर नीड फॉर वाटर वाटर जो है बेटा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी जो है वो सेवेंटी परसेंट वाटर से मिलकर के बनी हुई है एंड विदाउट वाटर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा और क्या होगा साथ ही साथ जो है हमारा इंटेस्टाइन जो है वो कैसा हो जाएगा ड्राई हो जाएगा और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है सो so, ये तो थी हमारी बॉडी में नीड फॉर वाटर सो डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क कराने के लिए हमें वाटर की नीड होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमें पीना चाहिए एंड नेक्स्ट थिंग हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि हमारा जो एक्सक्रीशन होता है उस प्रोसेस को भी वाटर ही क्या करता है आगे लेके जाता है क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू रिलीज़ हो जाता है सो so, आइए पढ़ते हैं अब अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिजिड ऑफ वेस्ट दैट गेट्स दैट गेट्स फॉर्मड इनसाइड एक्सक्रिटरी सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है जो कि वेस्ट हमारी बॉडी में अंदर की तरफ रहता है उसको बाहर आउट करने के लिए वेस्ट गेट्स थ्रू आउट थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज कार्बन डाइऑक्साइड सेट आ, स्वेट एंड यूरिन जो भी वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो हम किसे नो से इनहे, आ, इन, आउट कर देते हैं एंड जो हमारा स्वेट है एक्स्ट्रा वाटर है वो स्वेट या यूरिन की फॉर्म में बाहर आता है पसीने या टॉयलेट की फॉर्म में बाहर आता है द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज गिवेन बिलो कुछ ऑर्गेंस हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं वो हैं लंग्स लंग्स जो हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है स्वेट्स लीव्स द बॉडी थ्रू स्किन स्किन से हमारा स्वेट रिलीज होता है और नेक्स्ट है हमारा किडनी दैट रिमूव्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी और किडनी जो है वो यूरिन को हमारी बॉडी से रिलीज करती है हाउ एवर ओनली द ऑर्गन्स दैट आर यूज स्पेशली फॉर एक्सक्रीशन आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वो पार्ट्स जो स्पेशली एक्सक्रीशन का काम करते हैं जैसे कि हमारा लंग्स हमारा हमारी स्किन एंड किडनी इन सब को हम क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं ओके okay? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये तीनों पार्ट्स होते हैं द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर किडनी यूरेटर यूरेथर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये कुछ फोर पार्ट्स हैं जो कि मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द यूरिन फ्रॉम इन फॉर्म्स इनसाइड द किडनी यूरिन जो है वो किडनी में बनती है एंड आफ्टर दैट क्या होता है यूरिन कंसिस टॉक्सिक प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी यूरिन पासिस थ्रू द किडनी टू द यूरेनरी ब्लैडर यूरिन किडनी से जो है हमारे पास टू किडनीज़ होती हैं लेफ्ट एंड राइट किडनी अब इनसे जो भी है हमारा जो भी यूरिन रहता है टॉक्सिक मटीरियल वो किस में आता है यूरे, यूरेनरी ब्लैडर में आता है एंड यूरेनरी ब्लैडर से जो है वो कहाँ जाता है यूरेनरी ब्लैडर में जब वो रीच हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड आ जाता है यही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस होता है ये इतना छोटा सा प्रोसेस है आइए फिगर के थ्रू हम समझते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे मेन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के सो किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये फोर पार्ट्स होते हैं किडनी टू टाइप्स की होती हैं लेफ़्ट किडनी एंड राइट किडनी नेक्स्ट किडनी से जो है वो जो हमारा यूरिन होता है वो यूरेथर के थ्रू ब्लैडर यानी कि यूरेनरी ब्लैडर में पास होता है यूरेथर से हमारा ब्लड यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो आउटसाइड रिलीज हो जाता है सो so, ये तो था हमारा एक्सक्रीटरी प्रोसेस कल हम बात करेंगे हेल्दी हैबिट्स के बारे में अब हम बात करते हैं आज के वर्क के लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम तो आपको बनाना ही है अगर आपने नहीं बनाया है तो एंड नेक्स्ट आपको जो है वो कॉपी वर्क है सबसे पहले आप डेट डालेंगे आज की डेट डालने के बाद में आप राइट करेंगे चैप्टर थ्री द डाइजेस्टिव एंड द एक्सक्रिटिव सिस्टम डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म्स आपको अपनी कॉपी में राइट करना है फर्स्ट है बोटिंग सेकेंड है एंजाइम्स एंड थर्ड है कॉन्स्टिपेशन सो so, आप ये तीनों फॉलोइंग टर्म्स अपनी कॉपी में राइट करेंगे आज के लिए इतना ही होपफुली आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस समझ में आई होगी अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू अ नाइस डे